अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के एक नए वीडियो के साथ आपके पास दोबारा से हाजिर हो चुके हैं। आज की वीडियो का हमारा टाइटल कुछ यूँ है कि वीडियो 001 जो एक कोर्स है फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पढ़ना होता है उससे मुतल्लिक आपको गाइडलाइंस देंगे। तो हम अपने LMS के सेक्शन पर आ चुके हैं। यहाँ पर होम पे हम इंटर करेंगे। ये सेमेस्टर 2022 के लिए वीडियो है, स्प्रिंग फर्स्ट सेमेस्टर है जिनका। तो ये हर एक को ऑफर होता है, ये देख सकते हैं ये पे, यहाँ पर वीडियो 001 ये हर एक को ऑफर होता है। और इसमें हर आपको कंप्लीट इसे करना होता है। एक ड्यूरेशन होती है कोर्स सिलेक्शन की जो कि 19 है, इस मंथ की 19, मतलब 19 मई तक आपको इसे क्लियर हर हाल में करना होगा। अगर आप इसे क्लियर नहीं करते तो आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में इससे दोबारा मिलना पड़ेगा। यहाँ पर आपको बताते चलें कि बेसिकली इसमें होता कुछ इतना खास नहीं है। ये ड्यूरेशन मतलब सॉरी ये आपको एक इंट्रोडक्शन होता है ई लर्निंग के मुतलिक कि आपको कैसे पढ़ना है, कैसे असाइनमेंट्स वगैरह क्यूरीज वगैरह लिखनी है, अगर आपको कोई हेल्प की ज़रूरत होती है, मेल कैसे करनी है, बेसिकली हर ड्यूरेशन आपको बताया जाता है। तो इसके बाद यहाँ पर अगर आप इसे कंप्लीट नहीं करते तो आपको किसी ना किसी सेकेंड सेमेस्टर में इसे ज़रूर कम्प्लीट करना पड़ेगा। सबसे पहले बात यही है कि आप इसे इसी सेमेस्टर में कम्प्लीट कीजिए। तो नेक्स्ट अगर आपको बताया जाए कि इस कोर्स में 12 टॉपिक्स होते हैं, ठीक है, जिसमें ये देखें यहाँ पर 12 टॉपिक्स होते हैं, ये देख सकते हैं। टॉपिक नंबर 8 पे यहाँ पर एग्जामिनेशन सिस्टम, टॉपिक नंबर 9 एथिक्स ऑफ यूजिंग कंप्यूटर, ये जितने टॉपिक्स हैं ना मेन वीक 1 के मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। ये देख सकते हैं यहाँ पर सब कुछ कम्प्लीट हो चुका है। जो कम्प्लीट हो चुके टॉपिक वहाँ पर आपको ग्रीन टिक दिखाई दे रहा है। वीक 2 अगर निकाल लें हम तो ये देख सकते हैं आपके एग्जामिनेशन सिस्टम वाला मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। मेरे 4 टॉपिक्स रह गए हैं जो मुझे 19 तारीख तक ना कंप्लीट करना होता है। अच्छा, यहाँ से मैं आपको क्लिक करके बताता हूँ कि इन टॉपिक्स में होता क्या है। तो ये देख सकते हैं आप लोग, सबसे पहले आपके लिए वीडियो ओपन होगी, ये ओपन हो चुकी है, ठीक है। इसके बाद आपके पास वीडियो आप देख चुकेंगे। आप वीडियो में ऐसा कर सकते हैं कि जो वीडियो फॉर एग्जांपल 6 से 7 मिनट की, आप उसे प्लेबैक स्पीड जो है उसकी 1.5 या 1.75 या 2 तक लेके जा सकते हैं, जल्दी ख़त्म हो जाए। फिर इसके बाद रीडिंग आ जाती है, फिर पोस्ट असेसमेंट आ जाती है। अच्छा, कुछ लोग करते क्या हैं कि वो नहीं चाहते कि हम वीडियो देखें, तो वो ऐसा करें कि वो वीडियो जब 40% वीडियो हो चुके ना, यहाँ पर व्यूड लिखा आ जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल 6 मिनट की वीडियो है ना, तो वो जब 2.5 मिनट से ऊपर चली जाएगी, जब यहाँ पर आप देख चुके होंगे व्यूड लिखा आ जाएगा, तो तब आप रीडिंग पर जाकर रीडिंग को एक अच्छे तरीके से रीड करें और फिर अपनी पोस्ट असेसमेंट दें। लेकिन इसके कोई मार्क्स नहीं होते इस वीडियो 001 के, ना ही इसमें कोई मतलब इसके मार्क्स आपके सेमेस्टर में कोई इंक्लूड होते हैं, ना ही ये कोई सब्जेक्ट है। ये बेसिकली एक इंट्रो है, एक क्रेडिट हाउस का एक सब्जेक्ट है बेसिकली विचुअल यूनिवर्सिटी वालों की जानब से। ये एक इंट्रो है कि आपने पढ़ना कैसे है विचुअल यूनिवर्सिटी में। तो यहाँ पर फिर आप अगर कोई क्वेश्चन आंसर हो इससे रिलेटेड तो MDB कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ये ड्यूरेशन यहाँ पर लिखी है कि ये टॉपिक 13 मिनट्स का है, ये 17 का है, ये 18 का है, ये 18.5 सेकेंड्स का है, ये वगैरह यहाँ पर। फिर आपको रीडिंग और पोस्ट असेसमेंट, हाँ पोस्ट असेसमेंट आपको कम्प्लीट करनी होगी वहाँ पर। तो ये आपके लिए बेहतर यही है कि आप इसे फर्स्ट सेमेस्टर में ही कम्प्लीट कर लें, क्योंकि सेकंड में भी आपने जाकर इससे मिलना ही है। तो उससे बेहतर यही है कि आप इसे फर्स्ट सेमेस्टर में कम्प्लीट कर लें ताकि आपके लिए भी आसानी हो। तो ये थी आज की वीडियो, इसे कम्प्लीट कैसे करना है वो आपको पता चल गया है। वीडियो देखनी है, रीडिंग करनी है, पोस्ट असेसमेंट वगैरह करनी है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए खुलते जाएंगे। और हाँ, जहाँ तक टाइम की बात है तो वो आप इसे 2 से 2.5 घंटे में ना आराम सुकून से देखकर पोस्ट असेसमेंट वगैरह करके ना कर सकते हैं। 19 तारीख से पहले आपने इसे कंप्लीट करना है इंशाल्लाह, और अपनी स्टडीज पर भी फोकस करना है। ये कंप्लीट करना आपके लिए ज़रूरी है, टेंशन आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो ये थी आज की वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।